Hello students, this is Apurva from Mamre National School. How are you all? Hope you are all doing well at your home. So today we are going to study the chapter number 3 of history in class 6, okay? And our topic is the first farmers and herders. So what do you mean by farmers? Farmers वो दिन जो agriculture land पे अपना वर्क करते हैं, ठीक है, जैसे कि किसान, ओके. और हर्डर्स कौन होते हैं? वो भी एक तरीके से वैसे होते हैं, बट वो एक चरवाहा जैसे हम बोलते हैं, जो कि देखा होगा कभी आपने जब आप विलेज साइड जाते हैं कि कुछ जो शीप्स वगैरह या कुछ भी रहते हैं, तो उनको गोट्स वगैरह रहते हैं, तो उनको ले जाते हैं वो लोग, पूरा गैदर रहता है उनका, पूरा एक इकट्ठा करके उन सबको लेके जाते हैं, ठीक है, चराने के लिए. तो वो लोग क्या होते हैं? हर्डर्स, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इंट्रोडक्शन. द मेसोलिथिक एज वॉज अ ट्रांजिशनल फेज, ठीक है. जो मेसोलिथिक एज है वो क्या थी? चेंजिंग, जो मतलब उसमें चेंज था, ठीक है, थोड़ा ट्रांजिशन था, वो वाला फेज है वो, ठीक है. कैसे है? क्योंकि वो किस में आता है? व्हेन इट इज लाइंग इन बिटवीन पैलोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज, ओके. पैलोलिथिक एज में आप लोग को पता है ही सही, वी हैव स्टडी इन अर्लियर चैप्टर. तो उसमें क्या था कि वो जो पैलोलिथिक एज के जो लोग रहते थे वो क्या करते थे? सिर्फ हंटिंग करते थे और गैदर होकर के, जो मतलब उनको एक कोई ऑक्यूपेशन या ऐसा कुछ था नहीं, सिर्फ उनको हंटिंग करनी है, ठीक है, उनको जो है बस उनको टूल्स बनाने हैं जो कि किससे यूज़ होते हैं, जैसे स्टोन हो गया, ठीक है, और रॉक हो गया, या फिर वुड हो गया, ठीक है. इन सबसे वो अपने लिए क्या करते थे? खाना इकट्ठा करते थे और वो उसको यूज़ करते थे, और जब वहाँ पे खाना ख़त्म हो जाता था तो वो कहीं और या किसी और प्लेस पे चले जाते थे, ओके. और उसके बाद है ये मेसोलिथिक एज, ठीक है. इसमें क्या था? इसमें उन्होंने खुद को थोड़ा सा चेंज और किया, उन्होंने जो उनके जो टूल्स थे वो उन्होंने और ज़्यादा शार्प करे, ठीक है, जिससे क्या होने लगा कि जो एनिमल के स्किन थे उससे वो क्लियर करते थे, या जो कुछ ऐसे टूल्स थे जो उनके जैसे फॉरेस्ट क्लियर करने के काम आते थे, ठीक है, या पेड़ वगैरह काटने के, ये चीज़ के लिए काम आते थे. अब जो है न्यूलिथिक एज, ठीक है, न्यूलिथिक एज जो है वो एक तरीके से हम यूँ बोल सकते हैं न्यू स्टोन एज, ठीक है. इसमें क्या होता है कि पहले जो ये बाकी की जो टू एजेस थी, इसमें जो थे एनिमल्स को डोमेस्टिकली मतलब उनको पालते ऐसा कुछ नहीं करते थे, ठीक है, बट न्यूलिथिक एज में क्या हुआ था कि दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग, ओके. ये क्या करने लगे थे? जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनके तो हॉर्न्स, ठीक है, वो यूज़ में लेने लग गए थे, स्किन उनकी यूज़ लेने लग गए थे, बट कुछ जो ऐसे टैम जो रहते हैं एनिमल्स, ठीक है, जो जिसको हम पाल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि जिन्हें हम हर्डर्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको क्या करते थे? ये डोमेस्टिकेट करते थे, ठीक है, पालते थे उनको. तो उससे क्या होता था, इनको जो है उससे, जैसे अगर शीप है तो वो वूल देती थी, या काऊ है तो मिल्क वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए इनके काम आता था. और यही चीज़ इनका क्या बन गया था? मेन ऑक्यूपेशन बन गया था, विच इज़ फार्मिंग, ओके. सो During this period, men started using polished stone tools, stored food, and for short period of time, cultivated plants, domesticated animals for settled life. ठीक है, वही बात है कि वो क्या यूज़ करने लग गए थे? स्टोन टूल्स, ठीक है, और वो जो अपना फूड है वो स्टोर करने लग गए थे. मतलब ऐसा तो था नहीं क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें हों जिससे वो फॉर लॉन्ग टर्म के लिए वो स्टोर कर सके, तो ऐसा तो हो नहीं सकता था, तो इसलिए वो शॉर्ट पीरियड के लिए स्टोर करते थे, ओके. नेक्स्ट, न्यूलिथिक एज वेरीज इन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स. अब वो कहाँ कहाँ पे, ये जो न्यूलिथिक एज हैं टाइम के जो पीपल है वो कहाँ कहाँ चले गए थे, मतलब ऐसा तो हम लोग जानते हैं कि दे गॉट स्प्रेडेड, ठीक है, वो स्प्रेड हो गए थे, अलग अलग जगह पर जाकर बसने लग गए थे. तो कहाँ पे? इन साउथ वेस्ट एशिया न्यूलिथिक कल्चर appeared soon after 10,000 before Christ era. तो जो साउथ वेस्ट एशिया है वहाँ पर भी न्यूलिथिक कल्चर्स दिखे, ठीक है. ऐसे ही बिगनिंग, और जब स्टार्ट हो रहा था ये न्यूलिथिक एज इन साउथ एशिया, जहाँ पे क्या है, मेहरगढ़ और बलूचिस्तान, ठीक है, वहाँ पर भी दिखे. कब? 7,000 before Christ era में, ठीक है.
ऐसे ही न्योलिथिक एज कहाँ, साउथ ईस्टर्न यूरोप में भी देखिए। ठीक है, तो ये है जो है अभी तक भी, मतलब अगर कुछ साइट्स और भी हम लोग प्रिजर्व करें तो वो अभी भी डिस्कवर मतलब चल रहा है वैसे तो अभी भी मतलब पता लग रहा है कि अच्छा यहाँ पर भी जो है न्योलिथिक एज या न्यू स्टोन एज के टाइम के जो पीपल थे वो यहाँ पर भी रहते थे, उनकी भी साइट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, कैसे स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग क्या थी फार्मिंग और हर्डिंग की। सो इन द न्यूलिथिक एज पीपल बिकेम फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम फूड गैदरर्स। पहले जो था एज, ठीक है, उसमें क्या करते थे लोग, फूड को इकट्ठा करते थे, बट अब क्या करने लगे थे, फूड को प्रोड्यूस करने लगे थे। ठीक है, कैसे, दे शिफ्टेड फ्रॉम नॉमेडिक लिविंग टू बिकम सेटलर्स। कैसे, नॉमेडिक जो थे वो कौन होते थे, बिकॉज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर इन सर्च ऑफ फूड शेल्टर एंड वाटर। ओके, तो उसके बाद ये क्या बन गए, बिकमिंग सेटलर्स। वाई, बिकॉज ऑफ डोमेस्टिकेटिंग। ठीक है, क्योंकि ये जो है टैम जो एनिमल्स है उनको क्या करने लगे थे, डोमेस्टिकेट करने लगे थे। ठीक है, दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स अश्योर पीपल ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फूड। ओके, दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन नियर रिवर वैलीज। ये कहाँ रहने लग गए थे वापस, स्टार्ट इन्होंने कहाँ रहने करने स्टार्ट कर दिया था, रिवर वैलीज के पास में। ठीक है, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या सीखा, बेटर स्किल्स सीखी ऑफ फार्मिंग। ओके, कल्टिवेटिंग, अलॉन्ग विथ कल्टिवेशन द अर्ली ह्यूमन स्टिल गैदर्ड प्लांट्स एंड हंटिंग एनिमल्स। और ऐसे ही धीरे धीरे उन्होंने क्या स्टार्ट करने लगे, वो प्लांट्स को गैदर करना या फिर जो भी एनिमल्स को वो हंटिंग करते थे, ठीक है, तो जिनको शिकार करते थे उनको भी वो करना स्टार्ट करते, उनको भी गैदरिंग स्टार्ट करने लग गए थे वो। ठीक है, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके आगे फूड। ओके, नेक्स्ट, डोमेस्टिकेशन वॉज ग्रेजुअली प्रोसेस दैट लुक इन प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एट डिफरेंट टाइम्स। ओके, वही चीज़ है कि ये इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था, डोमेस्टिकेटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इसमें कौन कौन है, इंक्लूडेड कैटल, शीप एंड गॉड्स। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता था, टैम्ड एनिमल्स। ठीक है, ये डिफरेंट होते थे किससे, वाइल्ड एनिमल्स से। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मीन अ गुड सप्लाई ऑफ मिल्क, मीट एंड हाइड, यानी कि क्लोथ्स के लिए भी। ठीक है, तो क्लोथ्स वैसे ही जैसे वूलन क्लोथ्स अगर शीप को लेकर हम लोग चले तो। ठीक है, और कुछ ऐसे एनिमल्स भी रहते थे जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आते थे। ओके, नेक्स्ट, न्यूलिथिक टूल्स। अब न्यूलिथिक टूल्स में कौन से वो टूल्स है जो कि इसमें ये लोग क्या करते थे, यूज़ करते थे, कौन से टूल्स है वो, बिलोंगिंग टू द न्यूलिथिक एज वर ऑफ बेटर क्वालिटी, हार्डेस्ट स्टोन रहते थे जो कि वर यूज टू मेक न्यू टूल्स। कुछ ऐसे स्टोन रहते थे इनके पास जैसे क्या करते थे, ये न्यू टूल्स बनाते थे। ठीक है, फॉर मेकिंग न्यू टूल्स। ओके, जैसे कि क्या काम आते थे वो न्यू टूल्स, द टूल्स ऑफन पॉलिश टू मेक देम शार्पर, वो उनको शार्प करते थे बहुत ज़्यादा, और फाइन कटिंग एज, जो उनकी जो आगे का जो पॉइंट रहता है, जो किनारी रहती है, वो क्या रहती थी, फाइन कटिंग रहती थी, मतलब बिल्कुल तीखी। ठीक है, जिससे कि बहुत इजीली उनको अगर कुछ भी, अगर ट्री को कट करना है तो बहुत इजीली वो कट हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल होज, उनके जो कुछ टूल्स है जो उन्होंने बनाया उनके नेम्स भी है, जैसे कि होज वर यूज टू लूजन द सॉइल, जो कि सॉइल को लूज करने के काम आता था। ठीक है, प्लॉक्स जो किसके काम आता था, प्लांटिंग सीड्स, एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड सिकल्स फॉर हार्वेस्टिंग द ग्रेन्स। ठीक है, और ऐसे ही मोर्टार्स और पेस्टल्स भी थे जो किसके काम आते थे, ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट्स प्रोड्यूस। ओके, नेक्स्ट, पॉटरी। अब पॉटरी में क्या है, सो एज फूड प्रोडक्शन इंक्रीज, जैसे जैसे उनका फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होता गया तो उनका पॉटरी की ऑब्वियसली यूज़ होगा ही, क्योंकि उनको वेसल्स चाहिए, वो कहाँ पे स्टोर करेंगे, अगर वो कुछ ग्रेन्स वगैरह कुछ इकट्ठा कर रहे हैं तो वो कहाँ स्टोर करेंगे, तो इस वजह से वो क्या करते थे, यूज़ पॉटरी का करते थे। एक तरीके से कंटेनर्स वर नीडेड टू स्टोर एक्स्ट्रा ग्रेन्स। ओके, दे वर लैन प्लास्टर्ड विथ क्ले एंड ड्राइड इन द सन। वो क्या करते थे, उसको प्लास्टर करते थे। ओके, उसके बाद उसको सूखने के लिए रख देते थे, जब वो सूख जाता था तब वो उसको यूज़ करते थे उस वेसल को। ठीक है, दीज वेसल्स वर यूज फॉर बोथ स्टोरिंग ग्रेन्स एंड कुकिंग फूड। ओके, वेसल्स वर इनिशियली मेड बाय टर्निंग बाय हैंड, ग्रेजुअली व्हील टर्न
पोल्ट्री बिगेन टू बी यूज। अब इसके बाद ही क्या हुआ, इन्वेंशन ऐसे ही करते करते उन्होंने क्या इन्वेंशन कर लिया, व्हील का, ठीक है। सो द इन्वेंशन ऑफ व्हील ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन द लाइफ ऑफ द स्टोन एज पीपल। और ये व्हील जो है ये देखा जाता है कि अभी भी ये व्हील अभी यूज़ हो रहा है, क्योंकि जब उस वक्त इन्होंने मतलब 1000 years ago इन्होंने जब व्हील का इन्वेंशन किया था तो उससे क्या है कि अभी भी मतलब हम लोग वो यूज़ कर ही रहे हैं, मतलब मोस्टली सेम है ही सही, ठीक है। अगर उन्होंने वो सॉइल से या किसी भी मिट्टी से मतलब उन्होंने वो प्लास्टर करके या कैसे भी उन्होंने बनाया है, बट वही चीज़ अभी भी यूज़ हो रही है, ठीक है। बस मैट का जो मटेरियल है वो थोड़ा अलग है। व्हील इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट, व्हील क्यों यूज़ होता था उन लोगों के लिए, इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड क्यूकन द प्लेस ऑफ डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ व्हील हैवी ऑब्जेक्ट्स कुड बी ट्रांसपोर्टेड इजीली। ओके, नाउ टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। अब जैसे जैसे इनका ही थोड़ा थोड़ा काम बढ़ने लगा, ठीक है, अब इनके पास व्हील्स भी आ गए ताकि ये जो ट्रांसपोर्ट कर सके, इनको कुछ भी अगर किसी ने कुछ ज़्यादा सामान इनको लेके जाना है तो वो चीज़ भी उनको वन प्लेस टू अनदर दे हैव टू ट्रांसफर, ठीक है। तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट के लिए क्या यूज़ हो रहा था, व्हील। तो वैसे ही टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ विद द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड टू सेटल डाउन परमानेंटली इन ग्रुप्स एंड बिगेन टू लिव इन विलेजेस। द फर्स्ट मैन मेड हाउसेज वर मेड, तो सबसे पहले जो मैन मेड हाउस था वो क्या, किससे बना हुआ था, मड हट्स विद थेस्ट रूफ्स। The houses were built close together and were often surrounded by mud walls and thorny bushes, ठीक है, और fences भी वो लगाते थे ताकि ज़्यादा animals वगैरह कुछ हो तो वो enter नहीं हो पाए। Next, family and tribe culture। तो as people started living in close group, जैसे जैसे लोग जो हैं साथ में रहने लग गए, उनकी जो life है settled होने लग गई, तो वैसे उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने खुद का कस्टम, खुद के कल्चर्स, ठीक है, खुद के रिचुअल्स उन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये खुद के जो रूल्स, खुद के बिलीव्स, ये सब चीज़ें उन्होंने स्टार्ट करी, ठीक है। तो इससे क्या होता था, सो बाय स्टडिंग दीज ट्राइब्स वी कैन ड्रॉ सम कंक्लूजन। अब हम लोग ये बता सकते हैं कि इससे पता लगता है कि जो न्यूलिथिक पीपल की जो लाइफ है वो कैसी थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ऑक्यूपेशंस, तो उन लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो कौन सा रहता था, हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, हर्डिंग एंड फार्मिंग, ठीक है, जो कि किस वजह से आया है सब चीज़ें, न्यूलिथिक पीपल की वजह से, ठीक है। मैन हैड ऑक्यूपेशन सच एज हंटिंग, फार्मिंग एंड हर्डिंग फॉर ग्रेजिंग लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स। वुमेन डिड सम एग्रीकल्चर टास्क, जो मैन तो क्या वर्क करते थे, ये एग्रीकल्चर और हंटिंग फार्मिंग, सॉरी मैन क्या करते थे, हंटिंग फार्मिंग हर्डिंग एंड ग्रेजिंग, ठीक है, मतलब कि एनिमल्स को लेके जाने का काम इनका रहता था, ठीक है, टोटली। और जब वुमेन का जो वर्क रहता था वो क्या था, सोइंग सीड्स, ठीक है, हार्वेस्टिंग ग्रेन्स एंड लुकिंग आफ्टर देयर चिल्ड्रन, हाउस होल्ड वर्क्स, ठीक है, ये और कुछ कुछ जो छोटे मोटे जो कुछ चीज़ें थी जो कि एनिमल्स के लिए यूजफुल थी वो भी कौन करता था, वुमेन करती थी। नाउ न्यूलिथिक साइट्स इन द सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अब कुछ जो न्यूलिथिक साइट्स है वो कहाँ देखने को मिली है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जैसे कि न्यूलिथिक सेटलमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन प्रेजेंट डे कश्मीर, ठीक है। अभी कुछ मतलब साइट्स दिखी है जिसको क्या बोलते हैं, अब आज कश्मीर बोलते हैं, ठीक है। सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, सम ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक एज। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, चालकोलिथिक एज। अब चालकोलिथिक एज कौन सा है, आफ्टर एग्रीकल्चर जब डिस्कवर हुआ क्या, यूज़ ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल का यूज़ होने लगा, और जो फर्स्ट जो मेटल डिस्कवर हो था वो क्या था, कॉपर, ठीक है, और इसी वजह से इसको क्या नेम दे दिया, चालकोलिथिक एज या फिर द कॉपर स्टोन एज, ठीक है। कॉपर टूल्स वर मच स्ट्रॉन्गर दैन स्टोन टूल्स, और क्यों, क्योंकि इन्होंने जैसे उनको डिस्कवर किया तो उससे क्या पता लगा कि जो कॉपर टूल्स है वो क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किससे, स्टोन टूल से, ठीक है। दिस मीन दैट न्यू ऑक्यूपेशंस लाइक दैट द माइनिंग एंड स्मेल्टिंग वर इंट्रोड्यूस लेटर, कॉपर वॉज मिक्सड विद अदर। और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, जो कॉपर है वो जो दूसरे मेटल्स उनके साथ मिक्स करना स्टार्ट किया ताकि वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सके,
ठीक है, जैसे कि ब्रॉन्ज के साथ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दीज आर द चालकोलिथिक टूल्स। ओके, द चालकोलिथिक एज लास्टेड रफली फ्रॉम, अब जो चालकोलिथिक एज है वो कहाँ है, मतलब कहाँ पे वो रह, मतलब उसका जो एज है वो कहाँ तक है, 4000 टू 2000 बिफोर क्राइस्ट एरिया। ओके, ये मतलब एक तरह से रफली है, कोई एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, सो दिस वॉज आज द चैप्टर एंड रीड दिस चैप्टर बाई योर सेल्फ एंड ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड योर आंसर्स एज इन PDF फॉर्म। थैंक यू।